वेलकम टू माय चैनल श्री जी उत्सव कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे। आप आपको हम संपूर्ण कार्तिक पूजन के बारे में बताने जा रहे हैं कि संपूर्ण कार्तिक पूजन आपने कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वैकुंठ चतुर्दशी का क्या महत्व है। हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए चतुर्दशी का विधि विधान से पूजन करते हैं। देव उतनी काशी पर भगवान विष्णु के चार मुख जाते हैं और फिर इसके बाद आने वाली चतुर्दशी पर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। शास्त्रों की माने तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति शरीर त्यागता है ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति दिन भगवान शिव और विष्णु की उपासना करता है उसके जीवन से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था, इसलिए दिन श्राद्ध तर्पण कार्य करने का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि आज के दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजन के लिए 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प आदि चढ़ाने का संकल्प किया था। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा के लिए उनमें से एक स्वर्ण पुष्प कम कर लिया। पुष्प कम होने पर विष्णु जी अपनी कमल नयन नेत्र समर्पित करने लगे। तभी भगवान शिव उनकी यह भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा प्रकट होकर कहा कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चौदस के नाम से भी जानी जाएगी। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक आपका पूजन और व्रत करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। कहते हैं इसी दिन फिर भगवान विष्णु ने जो उनके द्वारपाल हैं जय विजय उनको कहा कि आप आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के द्वार खोल दीजिए। इससे जो भी व्यक्ति शरीर को त्यागता है इस दिन उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है तो ये देखिए मैंने कल आपको लक्ष्मी निवास का निर्माण करना बताया था। तो देखिए इस तरह के हम सब बहुत सारे लोगों ने मिलकर लक्ष्मी निवास का निर्माण किया था। तो देखिए आप इस तरीके से ये हमने ग्रुप में लक्ष्मी निवास का निर्माण किया है। देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लक्ष्मी निवास बने हुए हैं। आइए अब आपको मैं नारियल के गुल्लक बनाना सिखाती हूँ कि आपने माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए नारियल के गुल्लक का निर्माण कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नारियल लेना है और हमें चाकू से उसमें ऐसे छेद कर देना है जैसे गुल्लक के अंदर छेद होता है। ये देखिए इस तरीके से, और फिर हमने उसमें सिक्के डालने हैं। ये देखिए हमारे पास एक का, दो का, पांच का जो भी सिक्का है हमें इस तरीके से डालना है और इस गुल्लक को हमें खनकाते रहना है कि हमारे घर में भी माँ लक्ष्मी की खनक सदाई बनी रहे। ये देखिए ये मेरे घर का मंदिर है, ये मेरे ठाकुर जी हैं और ये उनकी अष्ट सखियां हैं। ये देखिए ये राधा रानी और ये उनकी अष्ट सखियां हैं इस तरीके से, और ये मेरे युगल सरकार है। देखिए ये राधा रानी है और ये मेरे ठाकुर जी हैं। देखिए अब हमें जो भी हमारे इष्ट हैं चाहे वो शिव हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, माता हैं, उनके आगे इस तरह से इस गुल्लक को हमें खनकाते रहना है कि भगवान इस पर हमारी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इस तरीके से आपने गुल्लक का निर्माण करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे।